नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। मोदी की हत्या की बात कहने वाले एमपी के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को मंगलवार सुबह 5:30 पर उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पटेरिया अपने गृह नगर दमोह के अहटा में थे। पुलिस ने यहीं से उन्हें अरेस्ट किया। पुलिस पटेरिया को जीएमएफसी कोर्ट पवई में पेश करेगी। पटेरिया ने 11 दिसंबर को एक सभा में कहा था, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहो, इन द सेंस हराने का काम करो। उनके इस बयान पर भाजपा हमलावर हो गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को पटेरिया पर एफआईआर के निर्देश दे दिए। इसके बाद पन्ना की पवई थाने में केस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो गए हैं। हालांकि पटेरिया ने अपने बयान पर सोमवार की रात को माफी मांग ली। उधर कांग्रेस उनको नोटिस जारी कर सकती है। इससे पहले पटेरिया ने कहा था, मैं गांधी को मानने वाला हूँ और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता। मेरा वीडियो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। राजा पटेरिया पर पन्ना जिले के पवई थाने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के आवेदन पर 12 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 451, 504, 505 एक बी, 505 एक सी, 506, 153 बी एक सी के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पटेरिया का यह बयान 11 दिसंबर का है। वह पन्ना जिले के मंडलम में कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा, मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है, संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस हराने के लिए तैयार रहो। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।